आंगनवाड़ी वर्कर के बाद आशा वर्कर आई हड़ताल पर। दिल्ली सरकार के खिलाफ करीबन 3,000 से 5,000 आशा वर्कर बेबुनियादी धरना शुरू कर दिया है और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और उनका कहना है सरकार आश्वासन दे रही है लेकिन उनकी मांगों को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया है। दृढ़ संकल्प है ये सरकार, हम लोगों को प्रलोभन देते चली आ रही है, बार बार यही कहती है। इसी पर इसके पहले कांग्रेस सरकार ने यही किया, 1,500 मानदेय करके आज तक नहीं दिया, नियमित करने का वादा किया आज तक नहीं दिया, लोकसभा में हमारे प्रश्न उठाए गए उसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं सोचा गया। इस सरकार में भी कई बार माननीय राजनाथ सिंह ने भी वादा किया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने भी वादा किया कि प्रदेश में सरकार बनने दीजिए, आपकी सुनवाई सबसे पहले होगी। राजधानी दिल्ली में गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए चलाए गए सरकारी अभियान प्रभावित हो रहे हैं। नवजात शिशु को देखभाल का ताना वाना जुटना नजर आ रहा है, पर होता है। आशा वर्कर का यह कहना है कि हम इसलिए आए कि अभी तक जितना काम करते हैं हम लोग, तो ना ही दिन देखते ना ही रात देखते हैं, बच्चों की परवरिश, माँ की परवरिश, डिलीवरी के लिए रात हो या दिन हो, कितने समय भी हो तो हम लोगों को जाना पड़ता है। एम्बुलेंस भी मिल जाती कभी कभी कभी, वो भी लाइफ टाइम आती तो हम लोग कोई मैं टू व्हीलर वगैरह से मतलब डिलीवरी ले जाते, उसकी जिम्मेदारी पूरी आशा के ऊपर है, कुछ हो जाएगा तो आशा के ऊपर रिस्क आएगी। लेकिन हम लोगों को तो मतलब ऐसे खुला पैसा मिलता है, उन्हें कहीं 50 रुपये इसके हैं, 100 इसके हैं, 150 इसके हैं, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो वेतन चाहिए। कभी कभी तो 2 महीने बाद मिलेगा, कभी 3 महीने बाद मिलेगा, बाबू खा जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे स्टाफ से कौन खा जाता है, कभी कभी कुछ देते कभी कुछ देते नहीं है। और मेहनत जितना करते बच्चों का पूरा ही नहीं होता, हम लोगों का बच्चों का कभी पूरा नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको अच्छी तरह पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊंगी बताओ। आशा के लिए मैं 10 साल 11वीं साल चल रही है मेरी, तो भी मैं पूरा नहीं कर पा रही। मेरे हस्बैंड को मारे कम से कम 7 साल हुए, मैं आशा में थी जब से मैं आशा के ऊपर है, लेकिन जब इतना पैसा नहीं मिलता तो मैं बहुत परेशानी। मेरा बच्चा है वो ट्यूशन पढ़ा के काम करता है और मैं भी कुछ पूरे नहीं कर पाती, इसलिए हम लोगों को कम से कम 10,000 की वेतन तो मिलना चाहिए। सरकारी राजकर्ता भी घोषित करने, मुझे कुछ हो जाए मेरे बच्चे का कौन होगा फिर, और बच्चा है और अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे बिल्कुल अनाथ ही हो जाएंगे, इसलिए कुछ सरकारी जब राजकर्ता मैं घोषित हो जाऊंगी तो उसके लिए बच्चों को कुछ आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा। एक आशा मर गई तो उसके लिए कुछ नहीं हुआ, उनने दूसरी आशा रख ली, लेकिन अगर मेरे बच्चे फिर मेरे बच्चे को कहाँ से मिलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। जब आप लोगों को आशा वर्कर में रखा जाता है तो क्या कोई इनकी डिमांड होती है, कोई लिखित में दिया जाता है आपको? जी हाँ, डिमांड होती है, डिमांड इनकी 27 डिमांडे हैं, जो 27 डिमांडे हैं और 27 डिमांडों पे हम लोग कार्य भी करते हैं। कुछ कार्य जो हमें प्रशिक्षित नहीं किया गया उसे छोड़कर बाकी कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे कार्यों का पैसा नहीं मिलता, अतः इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें राज कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और मैं डेली पता चलता है, हमें सरकार कहती है कि आपको जो 5,000 मंथली बन रहा पर मंथ आपके काम के ऊपर, लेकिन पता चलता है कि हमारे खाते में 1,200 1,000 भी नहीं आता है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा सहयोग मिले सरकार से और हमें केंद्र कर्मचारी सरकारी कर्मचारी चौथे दर्ज रूप में दिया जाए हमें।